लड़कियों में हाइपर सेक्सुअलिटी, ज़्यादा सेक्स की इच्छा होना या निम्फोमैनिया, ये कैसा होता है, क्यों होता है, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार शोक सम्मोह तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं इसके लिए एक लेडी का एग्जाम्पल दूंगा आपको जो मेरे पास में आई और अराउंड 40 ईयर्स 40 साल की उम्र पर वो आई कि भाई उसको बहुत ज़्यादा सेक्स करने की इच्छा होती है और वो अलग अलग व्यक्तियों से सेक्स करवा के लेती है। तो मैंने बोला फिर क्या प्रॉब्लम है, तो बोले अभी मुझे उसका मतलब जान पे आ रहा है अभी कि नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है, पर अभी उसको वो बार बार जो इच्छा होती है करने की, तो एक कंपल्सिव डिसऑर्डर पे वो टर्न हो गया कि भाई वो तो मतलब करना ही पड़ता है ऐसा, इस तरह का। तो इसकी मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, क्या उसको मैंने पूछा, तो उसने बताया कि जब वो 10-11 साल की बच्ची थी तो उसके पिताजी ने उसके ऊपर सेक्स किया। उसने पहले विरोध किया मगर पिताजी बहुत ही गर्म स्वभाव के, डोमिनेटिंग नेचर और बहुत डरावने मतलब इस तरह के थे वो, तो चुप बैठी। फिर उन्होंने 2-4 बार ऐसा किया, तो 2-4 बार सेक्स करने के बाद में मतलब डिस्टेंस ज़्यादा था, 2-4 महीने के बाद में तो वैसे वो बड़ी भी हो रही थी, तो शुरू में उसने 5-10 बार विरोध किया और धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती गई उसकी, उसने वो एन्जॉय करना चालू किया और मज़ा भी आना चालू हो गया उसको। फिर उसने धीरे धीरे जब उसकी इच्छा होने लगी तो उसने अपने सगे भाई को भी पकड़ लिया, उसको भी मजबूर किया सेक्स करने के लिए और उसके साथ में भी चालू हुए। फिर उसने उसके यहाँ जो भी कोई आते थे, कोई मामा है, चाचा है, कोई भी ऐसे है, तो उनके साथ में भी वो पास में जाएंगी, उनको कुछ तो भी एक्साइट करेंगी और उनको प्रवृत्त करेंगी कि भाई वो सेक्स करें। धीरे धीरे उसकी शादी भी हो गई, तो शादी होने के बाद में भी उसका वैसे ही था कि अलग अलग लोगों के साथ में मिलना जुलना, और अब खुद होके यदि कोई लेडी जाती है किसके पास में तो नेचुरली कौन नहीं बोलेगा आदमी। और फिर उसने अल्टीमेटली ये जब कंपल्सिव डिसऑर्डर पे हो गया, मतलब बार 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 वही इच्छा हो रही है, तो उसने उसके हस्बैंड को ये कबूल किया कि भाई देखो मुझे ऐसा प्रॉब्लम है, ये बीमारी है और मुझे बार बार वैसे ही हो रहा है, तो क्या करें। हस्बैंड का उसका झगड़ा हो गया, उसमें बीच में उसके पिताजी आए, इनका झगड़ा हो गया, तो पिताजी ने बोला चल घर पे। अभी वो घर पे जाने को तैयार नहीं माँ के पास में, पिताजी के पास में, क्योंकि मालूम है कि वहाँ जाने के बाद में पिताजी फिर वही चालू रखेंगे, तो उसको भी करना नहीं है, वहाँ जाना ही नहीं, उसने वहाँ जाना बंद कर दिया। मगर यहाँ रहते तो प्रॉब्लम है, फिर उसने अलग रहना चालू किया। अभी वो अपने पति से अलग रह रही है, जब उसकी इच्छा होती है तब या पति की इच्छा होती है तो वो साथ में सोते हैं, मगर बोलते कि मैं पति के साथ में आज भी एंजॉय नहीं कर पाती, उसको अलग अलग व्यक्ति ही होना है एंजॉय करने के लिए। फिर उसने पति को बोला ऐसा है, तो पति ने बोला ठीक है अब उसका इलाज करो जब ऐसा है तो, क्योंकि झगड़ा झंझट होने के बाद में पति को भी ये एहसास हुआ कि नहीं भाई इसको ये प्रॉब्लम है, ये कंपल्सिव उसको हो रहा है। और वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो हुआ बचपन में, पिताजी ने उसके ऊपर लैंगिक अत्याचार किया उसके वजह से हुआ है, तो फिर हस्बैंड भी उसका थोड़ा सा ये हो गया कि भाई ठीक है उसका इलाज करना चाहिए। और फिर वो लेडी मेरे पास में आई, हस्बैंड उसको लेके आया और बोले इसका इलाज करो। अभी उसने बोला कि अभी तक मैं अलग अलग मतलब पिछले 20 साल से करीब करीब ज़्यादा उससे ज़्यादा मतलब पिताजी छोड़ के करीब करीब 100 के ऊपर लोगों के साथ में मैंने बोले लिस्ट बनाई मैंने, और कम से कम 100 लोगों के साथ में उसने सेक्स किया। तो फिर मैंने उसको पूछा कि आप पैसे लेती है, बोले नहीं पैसे नहीं लेती मैं, मतलब एक से भी मैंने पैसे लिए नहीं, मतलब वो कोई सेक्स वर्कर नहीं थी कि वो पैसे के लिए कर रही, वो तो उसको मतलब अर्ज होती थी और उसको बार बार विचार आते थे और कंपल्शन टाइप उसका हो गया था। ना ठीक है हरकत नहीं अभी इलाज करेंगे, तो उसका इलाज हमने चालू किया, उसको एंटी ऑब्सेसिव दवाई दिया, काउंसिलिंग किया और उसको अल्टीमेटली एक रिस्पांसिबिलिटी कि भाई डिस्टिंक्शन रिस्पांसिबिलिटी जो है कि भाई अपने जिम्मेदार है भी अपने लाइफ के लिए, क्योंकि इसका असर उसके बेटे के ऊपर हो रहा है, उसका असर उसके खुद के ऊपर हो रहा है, तो अभी अर्ज भी हो रही है तो भी क्या करें। तो उसको मैंने कुछ बिहेवियरल चेंजेस करने के लिए बोला और उससे काफ़ी उसको धीरे धीरे फर्क पड़ने लगा। अब वो हस्बैंड के साथ में भी अभी एंजॉय कर रही है, दोनों भी अभी अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, और हस्बैंड ने उसको माफ़ कर दिया कि ठीक है भाई अभी जो हुआ वो हुआ, बाकी तो सब उसका अच्छा है लेडी का, बाकी तो मतलब घर की देखभाल करना, बच्चों को पढ़ाना, सब करना वो तो बाकी तो अच्छा कर रही थी, अभी ये जो किया वो उसने किया उसने उसको माफ़ कर दिया, उसने भी मतलब बड़े दिल से माफ़ करके इसने माफ़ी मांग लिया, तो और अभी दोनों अच्छा रह रहे। कहने का मतलब ये है कि जो निम्फोमेनिया, ये निम्फोमेनिया एक तो मेंटल डिसऑर्डर का हो सकता है कि लाइक मैनिया में ऐसा हो सकता है, मैनिक है मतलब हर्षवाई हुआ है तो उसमें लेडी काफ़ी लोगों के साथ में संबंध रखती है, या फिर उसको मेंटल डिसऑर्डर है कुछ ना कुछ बीमारी उसमें वो करती है, या फिर उसको कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसा अभी एक लेडी का मैं बोल रहा हूँ कंपल्शन है कि उसको करना ही पड़ता है, उसके साथ जमता ही नहीं है, तो एक वो हो सकता है। और फिर उसके कारण अलग है कि जैसा उसके पिताजी ने उसके ऊपर
सेक्सुअल अत्याचार किया बचपन में और वहां से उसको लत लग गई। तो ऐसे अलग अलग कारण होते हैं मगर इसका इलाज संभव है। लोग क्या है कि लोग इसके बारे में बातचीत नहीं करते। अभी ये कितनी ब्रेव लेडी है कि भाई अपने हस्बैंड के साथ में बातचीत किया, उनको मेरे साथ में लाया, मेरे सामने लाके दोनों बैठ गए और अभी इलाज कर रहे हैं। ये होता नहीं है यूजुअली। और फिर इसमें डिप्रेशन और काफ़ी लोग सुसाइड कर लेते कि नहीं भाई अच्छा होने वाला नहीं है, बाहर क्या बताना, किसको क्या बताएंगे, मुंह बताने के लिए जगह नहीं है, तो फिर सुसाइड कर लेते। तो ऐसे भी हो जाता है। तो ये सभी का इलाज हो सकता है। आज हमारी साइकोलॉजी या साइकोलॉजिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि हर चीज़ का इलाज हो सकता है। और बातचीत करके तो बिल्कुल ही हो सकता है। बातचीत करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट होके निकल आता है। अपना परसेप्शन बदल जाता है, जीवन जीने का तरीका बदल जाता है और एक नया जीवन जीना चालू कर देते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी बार हमारे पेशेंट्स ऐसा हमें पूछते हैं कि हमें सिल्डेनाफिल मतलब वायग्रा टाडालाफिल ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं होना और हमें आयुर्वेदिक चाहिए। तो मैंने स्पेशली यह ब्रांड बना के लिया हुआ है हॉट स्टेमिना। तो स्पेशली मैंने बोल के बना के लिया हुआ है कंपनी की तरफ से। ये कैप्सूल है, ये 10 कैप्सूल्स है और ये पूरा डब्बा मिलता है। तो इसमें मेनली जो है जो काम का है वो है गोल्ड है। इसमें गोल्ड मतलब सोना, शिलाजीत, मुसळी, केसर एंड शुद्ध मकरध्वज। ये हॉट स्टेमिना करके ये नाम से मिलता है। ये आपको ये चाहिए तो आप नीचे जो लिंक दी हुई है उसके ऊपर क्लिक करके आपका ये पैक आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत आएंगी, विगर वाइटलिटी बढ़ेंगी, जोश जुनून उत्साह आएगा। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टाम उर्दू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।